हेलो दोस्तों, मैं पूरन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी मैथ स्टडी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो का बेसब्री से आप सभी को इंतजार है। सो गाइस, वीडियो को देखने के लिए रेडी हो जाइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो गाइस, यहाँ से एसीएफ रेंजर में प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक का हम नाम लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्रमचय व संचय, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, समझिएगा क्या होता है। तो टॉपिक का नाम है हमारा क्रमचय व संचय। इंग्लिश में बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्रमचय। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्रमचय क्या होता है। तो सबसे पहले क्रमचय की परिभाषा क्या होती है, इसको जान लीजिए। तो क्रमचय की परिभाषा होता है विभिन्न वस्तुओं के एक समूह में से एक बार में प्रत्येक को या कुछ वस्तुओं को लेकर विभिन्न प्रकार के विन्यास बनाए जाते हैं, तो उन सभी विन्यास को हम क्रमचय कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आइए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे ए बी सी तीन हमारे पास अक्षर हैं, में से दो अक्षरों को लेकर, कितने अक्षरों को लेकर, दो अक्षरों को लेकर बनाए गए क्रमचय, बनाए गए क्रमचय आपको निकालना है। क्लियर है? तो तीन ए बी सी अक्षर में से दो अक्षरों को लेकर आपको क्या निकालना है दोस्तों, क्रमचय निकालना है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सा बन सकता है। एक बनेगा ए बी, एक बनेगा बी सी, एक बनेगा सी ए। यहां तक क्लियर हुआ? एक बनेगा ए सी, एक बनेगा सी बी और एक बनेगा बी ए। तो हम कितने प्रकार से क्रमचय बना सकते हैं, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों, टोटल हमारे पास हुआ छह। तो इस प्रकार से हम छह तरीका से तीन अक्षर ए बी सी में से दो दो अक्षर को लेकर हम बना सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल फार्मूला की, ठीक है? तो चलिए समझते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, देखिए एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, उसको हम दर्शाते हैं एन पी आर से, जहां एन समस्त वस्तुओं को दर्शाता है, आर उस समस्त वस्तुओं में से कितने वस्तुओं को लेकर क्रमचय बना रहे हैं उसको दर्शाता है, और P जो है हमारा क्रमचय का सिंबल है, परम्यूटेशन, ठीक है? तो NPR का जो फार्मूला होता है वो होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर हो रहा है बातें? तो आइए हम इसको समझते हैं। तो N फैक्टोरियल, यहां पर देखिए इस प्रश्न में A B और C तीन अक्षर दिए गए हैं, वो हमारे N का काम करेगा। क्लियर है? जिसमें से कितने वस्तुओं को लेकर बनाया जा रहा है क्रमचय, दो वस्तुओं या दो अक्षरों को लेकर बनाया जा रहा है, दैट मीन्स R का काम करेगा दो। तो यहां पर हम फार्मूला में पुट अप कर सकते हैं तीन फैक्टोरियल अपॉन थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, क्योंकि R का वैल्यू हमको कितना मिला है, दो मिला है। अब जाहिर सी बात है फैक्टोरियल का मतलब आप सभी को मालूम होगा, ठीक है? विस्तार होगा घटते क्रम में, कहां तक, एक तक, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तीन गुणा दो गुणा एक बटे तीन में दो गया तो एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल मतलब एक ही होगा, ठीक है? तो इसको हम हल करते हैं, तो तीन दूनी छह हमारा फाइनल क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेसिस हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब थर्ड बारी है इसके ट्रिक्स की, तो हम इसको ट्रिक में कैसे हल कर सकते हैं, आइए समझते हैं उसको भी। तो देखिए दोस्तों, यहां समझा देता हूं, ए बी सी हमारे पास कितने अक्षर है, तीन, जिसमें से दो अक्षर को लेकर आपको क्रमचय बनाना है। तो हमारे पास स्थान होंगे केवल और केवल दो, क्योंकि क्रमचय कितने बनाने हैं, कितने अक्षरों को लेकर, दो अक्षरों को लेकर, तो हमारे पास स्थान होंगे दो। तो पहला स्थान में अगर ए बी सी में से किसी एक को रखना चाहें तो हम कितने तरीका से रख सकते हैं, तीन तरीका से रख सकते हैं, कितने तरीका से, तीन तरीका से रख सकते हैं। तो हम यहां पहला स्थान में हम तीन तरीका से रख सकते हैं। अब ए बी सी में पहला स्थान में से कोई एक रख दिए तो दूसरा स्थान में रखने के लिए हमारे पास कितने अक्षर मौजूद हैं, दो अक्षर मौजूद हैं। तो हम दूसरा स्थान यहां पर हम दो अक्षरों को दो प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है? और इनके बीच में गुणा चिन्ह लगाकर हम आसानी से इसको हल कर देंगे, उत्तर मिल जाएगा तीन दूनी छह।
तो ये रहे हमारे ट्रिक के क्वेश्चन। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन जो है हम इस पूरे ट्रिक से बनाएंगे। सो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आई होप दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले दोस्तों कुछ फार्मूला है उनको आप जान लीजिए ताकि आपको आगे हल करने में आसानी हो। तो चलिए हम उस फार्मूला को समझ लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये हमारे कुछ फार्मूला है जिसको आपको समझना होगा। तो देखिए एन पी आर, अभी जो हमने सीखा एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाया गया क्रमचयों की संख्या बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है? अगर हमारा जीरो फैक्टोरियल वैल्यू आता है तो उसका वैल्यू हमेशा आपको एक रखना है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों एन वस्तुओं में से पूरे के पूरे एन वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाना है तो उसका वैल्यू एन फैक्टोरियल ही होगा। क्लियर है? अब बारी है 1 अपॉन माइनस आर फैक्टोरियल की। तो 1 अपॉन माइनस आर फैक्टोरियल अगर आता है तो हमारा जो आंसर है वो क्या लिया जाएगा दोस्तों? जीरो लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये आपके चार बेसिक फार्मूला हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी हम सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनाने वाले हैं। तो चलिए अब बारी है हमारे क्वेश्चन की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक क्वेश्चन बारी बारी से। पूरे वीडियो टाइप वाइज बनाने वाले हैं, सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कितने विधियों से चार व्यक्तियों को तीन कुर्सियों पर बैठाया जा सकता है? चार व्यक्ति हैं और कुर्सी कितने हैं? तीन कुर्सी है, तो हमारे पास स्थान होंगे तीन, ठीक है ना। अब देखिए पहला कुर्सी पर चार व्यक्ति है हमारे पास, तो चार व्यक्तियों को हम चार तरीका से बैठा सकते हैं पहले कुर्सी पर, ठीक है। अब दूसरे कुर्सी की बारी है तो पहले कुर्सी में तो कोई एक जन बैठ गया है, अब दूसरे कुर्सी की बारी आई तो हमारे पास कितने बच गए हैं? तीन व्यक्ति बच गए हैं। तो हम दूसरे कुर्सी में तीन तरीका से क्या कर सकते हैं? व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? और तीसरी कुर्सी की बारी है तो दो कुर्सी में दो लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, अब हमारे पास देखिए चार में से दो लोग बैठ गए तो कितने बचे? अंतिम कुर्सी, तीसरी कुर्सी के लिए दो लोग बच गए। तो हम अंतिम कुर्सी अर्थात तीसरा कुर्सी में दो लोग को दो तरीका से बैठा सकते हैं। क्लियर है? गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और हल कर दीजिए। चार तिया बारह, बारह दूनी चौबीस, तो हम क्या कर सकते हैं? आंसर ले सकते हैं 24। तो चार व्यक्तियों को तीन कुर्सी पर हम 24 तरीका से बैठा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, शब्द करेज के अक्षरों में से एक स्वर और एक व्यंजन कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? तो प्रश्न में देखिए कितने आपको क्रमचय बनाने हैं, कितने अक्षर को लेकर, तो एक स्वर होना चाहिए और एक व्यंजन होना चाहिए। तो सबसे पहले करेज में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं उसको आप ध्यान दीजिए। तो हमारे पास स्वर हैं एक दो तीन चार, ओ यू ए ई, चार जो है वो हमारे क्या है? स्वर हैं, जिनमें से एक स्वर को लेना है। तो देखिए हमारे पास दो क्रमचय बनाने के लिए प्रश्न ने कहा है। तो पहला जो स्वर है, देखिए एक स्वर बोला है, तो एक स्वर हमारे पास स्वर कितने हैं? चार, जिसमें से हम चार तरीका से किसी भी एक स्वर को रख सकते हैं। क्लियर है ना? अब प्रश्न में आगे बात किया है कि एक व्यंजन होना चाहिए, तो व्यंजन हमारे पास कितने हैं? सी आर और जी, तीन व्यंजन है, तो हम उसको तीन तरीका से ले सकते हैं, ठीक है। एक व्यंजन लेना है तो हम या तो सी ले सकते हैं या आर या फिर जी, किसी एक को ले सकते हैं। मतलब हमारे पास व्यंजन लेने के लिए तीन तरीका है। क्लियर है ना? तो हम दोनों को गुणा कर देंगे, चार तिया बारह, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 10 काली और 8 सफेद गेंदों में से एक काली व एक सफेद गेंद कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? तो देखिए हमको दो गेंद चुनना है, एक काला वाला और एक आपके सफेद वाला। तो देखिए काला हमारे पास टोटल कितने हैं? 10, और सफेद वाला हमारे पास कितने हैं? 8। तो हमको अगर एक काला चूज करना होगा तो इस 10 में से ही चूज कर सकते हैं। तो 10 में से हम एक काला लेना है तो कितने तरीका से चूज कर सकते हैं? जाहिर सी बात है हम 10 तरीका से चूज कर सकते हैं काला गेंद को। और रही बात आपके एक सफेद गेंद की, तो हमारे पास टोटल सफेद गेंद है 8, तो हम इसको 8 तरीका से क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। बीच में गुणा चिन्ह लगा देंगे, 8 दहम 80, तो हम टोटल एक
इस प्रश्न में एक काली और एक सफेद गेंद हम 80 तरीका से चुन सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5 से चार अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेंगी जबकि कोई अंक एक से अधिक बार ना आए। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अंक है हमारे पास? 5। और कितने अंक को लेकर क्रमचय बनाना है? 4 अंकों को लेकर। दैट मीन्स हमारे पास 4 स्थान होंगे। क्लियर है? पहले स्थान अर्थात पहले अंक में अगर रखना होगा तो हम 5 अंक में से 5 तरीका से रख सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 अंकों में एक अंक का स्थान पक्का हो गया। अब बचे हमारे पास अगले अंक अर्थात सेकेंड नंबर जो अंक है उनके लिए, तो हमारे पास कितने अंक बच गए हैं? 4 अंक बच गए हैं। तो हम यहाँ पर 4 तरीके से वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अब रही बात तीसरे अंक के स्थान की, तो देखिए हमारे पास 5 अंक में से 2 अंक हमने डिसाइड कर लिए, तीसरा अंक डिसाइड करना है। तो हमारे पास कितने अंक बचे हैं दोस्तों? 3 अंक, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 अंक हैं। तो यहाँ पर हम कितने तरीका से रख सकते हैं? 3 तरीका से रख सकते हैं। क्लियर हो रही बातें? अब देखिए हमारे पास जब चौथा अंक की बारी होगी तो हमारे पास कितने अंक मौजूद हैं? अब देखिए 5 अंक में से हमने 3 अंक को पुट अप कर लिया, हमारे पास कितने अंक बच गए? 2 अंक। तो हम 2 अंक को क्या कर लेंगे? यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं 2 तरीका से। क्लियर है? इन सभी के बीच में हम गुणा चिन्ह लगा देंगे और आंसर ले लेंगे। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दुनी 120। तो ये रहा आपका आंसर। कितना आएगा आंसर दोस्तों? 120। आई होप दोस्तों पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसा ही है लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, अंक 0, 1, 2, 3, 4 से 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेंगी जबकि कोई अंक एक से अधिक बार ना आया हो। कितने अंक बनाने बोल रहे हैं? 5 अंकों का। हमारे पास टोटल अंक कितने हैं? 5। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 5 अंक का क्रमचय बनाना चाहेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितने स्थान होंगे? 5 स्थान होंगे। क्लियर हो रहा है? तो जब पहले स्थान में अर्थात 5वां अंक डिसाइड करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्लियर है ना? तो जब पहला अंक डिसाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे इन 5ों में से? देखिए ध्यान से समझिएगा, इस स्थान पर क्या हम 5 तरीका से रख सकते हैं? इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा। रख सकते हैं क्या? जी नहीं, क्योंकि हमारे पास इस प्रश्न में 0 दिया गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखते हैं, बाकी जो अंक है वो 4 अंक का हो जाएगा। कितने अंक का हो जाएगा दोस्तों? 4 अंक का हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा 5 अंक दिया है उसमें 5 तरीका से नहीं रख सकेंगे, हम 0 को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर कितने तरीका से रख सकते हैं? 4 तरीका से रख सकते हैं पहले स्थान पर। बातें क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं दूसरे अंक डिसाइड करने की। तो दूसरे अंक को हम कितने तरीका से डिसाइड कर सकते हैं? तो देखिए अब यहाँ पर हम 0 पुट अप कर सकते हैं। तो देखिए 0 को अगर छोड़ दें पहला अंक के लिए, तो हमारे पास 4 थे, इनमें से एक को यहाँ पर रख दिए, तो हम जब सेकेंड अंक की बारी आएगी तो हमारे पास पुनः कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो रखे हैं वो हमारे इनमें से कोई एक रखाया है, तो 3 अंक तो वहाँ पर बचा ही है। ठीक है, एक चौथा अंक यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कितने तरीका से दूसरा अंक को रख सकते हैं? 4 तरीका से दूसरा अंक को रख सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं हम तीसरा अंक डिसाइड करने की। तो तीसरे अंक को कितने तरीका से डिसाइड कर सकते हैं आइए समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, 2 अंक हमने रख चुके हैं 5 अंक में से, तो हम तीसरे अंक पर 3 तरीका से रख सकते हैं। ठीक, चौथे अंक पर हम 2 तरीका से और 5वें अंक पर हम 1 तरीका से वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको गुणा कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96। तो हम टोटल इस प्रश्न में कितने तरीका से आंसर ले सकते हैं? 96 तरीका से आंसर ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 5 तरीका से पहला लेटर नहीं है, पहला अंक नहीं आएगा। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में 0 दिया गया है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपके इसी रेंजर में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को बनाते कैसे हैं। 1, 3, 5, 7, 9 में से कितने ही अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बन सकती है जबकि किसी भी संख्या में कोई अंक दोबारा ना आए। यहाँ पर बात क्या किया गया है, कितने ही अंकों को लेकर, मतलब हमारे पास जितने भी अंक दिए गए हैं उनमें से हम कितने को भी ले सकते हैं।
कितने अंक दिए गए हैं प्रश्न में? 5 अंक। तो हम यहाँ पर 2 अंक को भी ले सकते हैं, 3 अंक को ले सकते हैं, 4 अंक ले सकते हैं, 5ों के 5 को ले सकते हैं और 1 अंक को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऐसा करने पर कितने हमारे पास क्रमचय बन सकते हैं, इनको इस प्रश्न ने पूछा है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम चाहें 1 अंक वाला संख्या बनाना तो हम कितने तरीका से यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, 1 अंक वाला बनाएंगे तो हमारे पास कितने अंक मौजूद है? 5 अंक। तो हम यहाँ पर 5 तरीका से इसको बना सकते हैं। बातें क्लियर हुई? अब बात करते हैं हम 2 अंक वाले की। तो 2 अंक वाला हम अगर बनाना चाहें तो हमारे पास कितने तरीका से हम इसको बना सकते हैं? तो देखिए, पहला अंक अगर बनाने की बात होगी तो 5 तरीका से, जैसे ही दूसरा अंक बनाने की बात आएगी हम इसको 4 तरीका से रख सकते हैं। कैसे 4 तरीका से? तो देखिए, 5 अंक है तो पहला अंक जो है वो 5 प्रकार से डिसाइड हो सकता है। दूसरा अंक जो है, देखिए 5 में से 1 अंक यहाँ पर रख दिए तो बचा हमारे पास दूसरे अंक के लिए 4 ही अंक ना, तो हम उसको 4 तरीका से रख सकते हैं। तो 5 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। याद है? क्लियर। तो 2 अंक वाला हमारे पास 20 प्रकार के वेरिएंट में बनेंगे, 20 क्रमचय बनेगा 2 अंक वाले का। 3 अंक वाले का देख लेते हैं भाई। तो 3 अंक वाले के लिए क्या होगा? 5 × 4 × 3, 5 × 4 = 20, 20 + 60, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, अगर 3 अंक वाला देखेंगे तो। क्लियर है ना? क्योंकि तीन ही स्थान होंगे हमारे पास। क्लियर। अब हमारे पास 4 अंक वाला देखते हैं। तो 4 अंक वाला बिल्कुल वैसे ही की भांति 5 × 4 × 3 × 2, तो कितने तरीका से आएगा? 120 तरीका से 4 अंक वाला हम बना सकते हैं यहाँ पर क्रमचय। अब 5 अंक वाले की बात है तो 5 अंक वाला क्या होगा दोस्तों? तो आसान लग रहा होगा आप लोग को भी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तरीका होगा 5 अंक को रखने का। तो 5 × 4 = 20, 20 + 60, 60 × 2 = 120, तो 5 अंक वाला भी 120 तरीका से रख सकते हैं। प्रश्न ने बोला है समस्त को जोड़कर बताइए, क्योंकि कितने ही अंकों को लेकर कितनी संख्या है, मतलब हमने सभी अंकों को लेकर देखा और कितनी संख्या बन रहा है, तो अर्थात इन सभी को क्या करना होगा? जोड़ के आंसर देना होगा। तो इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 120, 120 = 240, 240 + 60 = 300, 300 + 20 = 325। तो हमारे पास कितने टोटल अंक बनेंगे दोस्तों? 325। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 325। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। शब्द आर्टिकल के कितने प्रकार से विन्यास किए जा सकते हैं? तो देखिए, शब्द आर्टिकल में कितने अक्षर मौजूद है उनको समझिए। कितने अक्षर मौजूद है? 2, 4, 2, 6 और 1, 7। 7 अक्षर मौजूद है तो इनको लेकर आपको बनाना है विन्यास। तो ध्यान से समझिएगा, इसको पहले फार्मूला समझ लेते हैं ताकि आपको आगे जाके कठिनाई ना हो, ठीक है? तो n बराबर हमारे पास है 7। 7 अक्षर को लेकर, ऐसा कोई बोला क्या r बराबर कितने अंक को, कितने अक्षर को लेकर बनाना है? नहीं बोला। तो r बराबर भी क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रहा है? n इक्वल टू r। क्लियर है ना? तो हमारा जो फार्मूला लगेगा वो NPN वाला लगेगा। क्लियर हो रहा है? NPN दैट मीन्स इसका वैल्यू आपको बताया गया है n फैक्टोरियल होता है। क्लियर है ना? n फैक्टोरियल, तो n का मान कितना है? 7। तो 7 का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, यही होगा × 1, क्योंकि जो फैक्टोरियल होता है वो घटते क्रम में विस्तार होते हुए कहाँ तक चलता है? 1 तक चलता है। तो इसको हम हल कर देंगे, आंसर ले लेंगे। 7 × 6 = 42, 42 × 5 = 210, 210 + 8 = 40, 840 और आपके हो जाएगा 6 × 50 = 40। क्लियर है? अब देखते हैं हम आगे इसको ट्रिक से। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आर्टिकल एक शब्द है जिसमें से कितने लेटर हैं आपके? 6, 7 लेटर हैं। तो हम देखिए, 7 लेटर हैं तो 7 स्थान 7 तरीके से बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला हमारा 7 तरीके से, दूसरा हमारा 6, तीसरा हमारा 5, चौथा हमारा 4 और पांचवा जो होगा 3 तरीके से, छठवा जो होगा 2 तरीके से और सातवां जो होगा वो 1 तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसको हम हल करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 50 = 40। आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और दोस्तों पार्ट 2 आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।